साथियों, मेरी उम्र 42 साल है और 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। ये मेरी कहानी है। मैं सबसे पहले बाबा साहब के बारे में मैं बताऊं। कभी एक साथी ने कहा कि बाबा साहब का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अरे भाई, कोई इंसान क्या, मैं तो भगवान अपने माता पिता को मानता हूं और मेरे माता पिता भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि संसार में बाबा साहब का बराबरी भगवान भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पे मैं कुछ बात आपको रखना चाहूंगा कि देश आजादी के बाद कुछ विद्वान ने, खास करके दलित भाई जो हमारे एससी हैं, उनसे पूछे कि ये आप बताओ कि अभी आजाद भारत आपके लिए अच्छा है या अंग्रेज का समय अच्छा था। तो उन्होंने कहा, गौर से सुनिएगा, कि अंग्रेज का जो समय था उससे पहले हम अति पिछड़ा पिछड़ा ओबीसी आदि मानव थे, और जब अंग्रेज का समय आया तो हम थोड़ा मानव बने, क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार मिला, हमें बराबरी में बैठने का अधिकार मिला और हमें कपड़ा मिला। तो हम आदि मानव थे और आदि मानव से हम मानव की ओर बढ़े। लेकिन आज आजाद भारत में जिस समय हमें बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए संविधान बना के दिए कि पूरा मानव तुम बनो, लेकिन ये मायने में ये संविधान के द्वारा जो दिए हुए अधिकार है वो आज हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। आज मानिए कि आपके लोग आज भी आदि मानव हैं। आप इससे ज्यादा और क्या सोचने की बात है। आज यहाँ पे एक मंच सभा का आयोजित किया गया है, यहाँ पे जो उपस्थित है ये मान लीजिए कि आप मानव हैं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा इस अगल बगल में लोग रहते हैं। हमारे लोग यहाँ पे ज्ञान फ्री में मिल रहा है, पंडाल के नीचे बैठने का जगह मिल रहा है, कुर्सी पे बैठने का जगह मिल रहा है, फ्री में ज्ञान मिल रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोग फ्री में ज्ञान लेने के लिए भी नहीं बैठ पा रहे हैं। आज उतना समझदार नहीं है। इसलिए साथियों, एक तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। इस देश में एक चालाकी के तहत आपके आने वाले नस्ल को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग आ चुके हैं साथियों, और इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कितने लड़ाई लड़कर आपके लिए संविधान बना के दिया, उसमें आरक्षण का व्यवस्था करके दिया। आज देखिए सरकारी नौकरी कहां है। इस देश में देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए 100 लोगों में 9 लोगों का व्यवस्था सरकारी नौकरी का होना था, लेकिन आज 9 लोगों में सिर्फ 3 लोग सरकारी नौकरी कर रहे, 6 लोगों का नौकरी को ही समाप्त कर दिया गया। तो ये आज हो रहा है। आज हमें लगा कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। पिछड़ा दलित का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है, हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो तो आरएसएस का गुलाम है, वो क्या करेंगे। तो हमें मालिक बनना है, गुलाम नहीं बनना है साथियों, हमें मालिक बनना है। आज हमें भी ऑफर दे रहा था कि अपनी पार्टी भी लेकर लीजिए और 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। हमने कहा कि हमारा छोटा ही झोपड़ी सही, लेकिन अपने महलों में रहूंगा और छोटा महलों में रहकर ही अपनी काम करूंगा। मुझे शौक नहीं है कि आपकी गुलामी करने का, और आप कहो तो उठे और आप कहे तो बैठे। नहीं, हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे, संघर्ष करेंगे। आज बिहार में तो बता दिया ना कि एक मछली मारने वाले का बेटा भी बिहार के राजनीति में खड़ा हो सकता है और राज कर सकता है। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब ने दिखा दिया, आज 140 करोड़ का जनसंख्या है पूरे भारत में। उन्होंने जो अकेले पूरे भारत के लिए जो किए, पूरे भारत के लोग आज भी उतना काम करने के लिए तैयार नहीं है और वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी बाबा साहब के रास्ते पे चलकर आप भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि समय नहीं है,
बहुत कुछ उनके बारे में बोलना था। आपको एक तालाब में पानी पीने का इजाजत नहीं दिया जाता था, यह इजाजत बाबा साहब ने आपको दिया। एक कुआं में पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था साथियों। उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना मेहनत किया, तब जाके आज इस जगह पे आप खड़े हैं। और आपको हर मंच पे आपको राजनीति के तौर पे भी सोचना पड़ेगा। जब तक शासन प्रशासन सिस्टम सरकार में आप नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला साथियों, क्योंकि मैं सरकार में रह के आया हूं। हमारे विभाग में एससी एसटी के लिए 15% बजट बनाया जाता था कि हम इनके उत्थान के लिए काम करेंगे। जब मैं विभाग में मंत्री बना तो 6 साल से ये 15% पैसा हर साल लेफ्ट हो जा रहा था, उस पर योजना नहीं चल रहा था हमारा। जबकि विभाग का सचिव हमारे एससी से आते थे, उसके बाद भी योजना नहीं चल रहा था। हमने कहा भैया क्यों नहीं चल रहा, तो सर इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पे लोग परेशान किया जा रहा है, इसको नहीं चला जा रहा है। जबकि अगर 1000 करोड़ का बजट है तो 150 करोड़ रुपया एससी एसटी के लिए हमें खर्च करना था। उसमें खर्च क्या करना था, गरीब माता बहन को बकरी पालन के लिए बकरी देना था, पशु पालन करने वाले माता बहन को उसको पशु पालने के लिए देना था, शुगर पालने वाले को शुगर पालने के लिए देना था। 150 करोड़ रुपया खर्च करना था हर साल, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा था। क्यों नहीं खर्च हो रहा था, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा बड़े लोगों में खर्च करेंगे, 20% 30% हमको कमीशन मिलेगा। और जब जहां दलित है वहां पे अगर हम उसको शुगर देंगे, गाय देंगे, भेड़ी देंगे, बकरी देंगे, वहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। वो पैसा को डाइवर्ट करके वो दूसरे योजना में खर्च कर देता था, जहां से विभाग के लोगों को पदाधिकारी को कमीशन मिलता था, 25% से 30% 50% तक कमीशन मिलता था। हमने लड़ा और हमने कहा कि सारे के सारे पैसा खर्च होना चाहिए और नई का नई स्कीम लाइए, शुगर पशु जितने भी फ्री में जो दें, 100% योजना जो चल रहा है खास करके एससी एसटी के लिए, वो काम चालू कीजिए। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।